Chalo, okay. So today, now we are going to start with forfeiture of shares. So, ek example lete hain. Application money, 3 rupees. Allotment money, 2 rupees. First call, 2 rupees. Or second and final call, 3 rupees. Total 10 rupees. पार पे हमने शेयर इश्यू किया है, ठीक है? ऐसे टोटल 100 शेयर्स हैं जिन्होंने एप्लीकेशन मनी पे कर दिया है, अलॉटमेंट मनी भी पे कर दिया है, पर उन्होंने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए हैं और सेकेंड कॉल के पैसे नहीं दिए हैं। तो एक्चुअली उनसे मनी रिसीव्ड कितना है? मनी रिसीव्ड, लेट मी चेंज थोड़ा सा फिगर्स, क्योंकि ये 5-5 फिर मजा नहीं आएगा, थोड़ा चेंज करता हूं मैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज, अलॉटमेंट मनी 3 रुपीज, फर्स्ट कॉल 2, सेकेंड कॉल 2। 100 शेयर्स पे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा मिल गया है, फर्स्ट और सेकेंड कॉल नहीं मिला है, तो मनी रिसीव्ड कितना? 6 पर शेयर। मतलब 600 इज मनी रिसीव्ड। एंड मनी नॉट रिसीव्ड, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स 400। तो अभी ये भाई साहब का कैपिटल तो 1000 रुपया है हमारे बुक्स में, हाँ या ना? इसका अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊं, ये भाई साहब का अकेले का, तो बैंक में मुझे दिखेगा 600 रुपया, कैपिटल में मुझे दिखेगा 1000 और लेस कॉल सिनेरियर्स 400, 600 रुपया सिर्फ ये भाई साहब का बैलेंस शीट अगर बनाया तो। कोई शक नहीं। अब ये भाई साहब को हमने बहुत लेटर्स लिखे, 2-3 लेटर्स लिखे, एज पर कंपनीज एक्ट जो भी करना है वो किया। फिर लास्ट लेटर में हमने उसको डेडलाइन दिया, अगर ये दिन तक आप पैसे नहीं दोगे तो आपने दिए हुए पैसे हम फोरफिट कर देंगे। शिवम, विवेक, आपने दिए हुए पैसे हम फोरफिट कर देंगे। फोरफिट कर लेंगे मतलब अपने पास रखेंगे, अपने पास रखेंगे, फोरफिट कर देंगे मतलब आपके शेयर्स भी गए और आपके पैसे भी गए, फंड हो जाता है। ये बोलना सही नहीं है, क्योंकि हमने उसको कितना चांस दिया? उसने जब फर्स्ट टाइम शेयर अप्लाई किया था तब उसने ये गारंटी लिया था कि मैं बाकी का पैसा आप जब मांगोगे तब हम दे देंगे, फिर भी उसने अभी तक नहीं दिया। उसको 3-4 नोटिसेस हमने भेजे, उसके बाद भी पैसे नहीं दे रहा है, तो अभी क्या करेंगे? तो उसके शेयर्स हम फोरफिट करेंगे। अगेन प्रैक्टिकली ही विल बोरो 4 रुपीज एंड गिव, हाँ या ना? और फिर शेयर बेच देगा तो वापस मिल जाएगा 4 रुपया। समझा या नहीं? प्रैक्टिकल है, पर ये थियोरेटिकली जो सम्स है उसमें सिखाना पड़ता है कि उसने पैसे नहीं दिए, नहीं दिए तो क्या करना पड़ेगा? शेयर फोरफिट करना पड़ेगा। तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास करेंगे कि ये भाई साहब को बहुत टाइम दे दिया, अभी पैसे नहीं दे रहे हैं, तो इसके शेयर्स हम फोरफिट कर रहे हैं। तो फोरफिट का जर्नल एंट्री क्या होगा? तो पहले तो उसके ये 1000 शेयर जो हमने कैपिटल में क्रेडिट किया है वो अभी कैंसिल कर रहे हैं ना शेयर्स। जब जब हम शेयर इश्यू करते हैं तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है। ये हर स्टेज पे शेयर कैपिटल क्रेडिट होने वाला है, ये हमने पहले एंट्रीज में सीखा इधर, है ना? शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर कैपिटल। तो जब शेयर इश्यू करते हैं तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है, तो शेयर जब कैंसिल कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल डेबिट होगा। यस नो? तो जर्नल एंट्री होगा पहला, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट,
शेयर कैपिटल कितने अमाउंट से डेबिट होगा? नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड इनटू कॉल्ड अप अमाउंट. ये इंपॉर्टेंट है बच्चों. अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पे हम शेयर फोरफिट कब कर रहे हैं? सेकेंड कॉल के बाद. ऐसा भी हो सकता है कि हम फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिट करें, अपना मर्जी है. फर्स्ट कॉल में उसको चांस दिया, नहीं दे रहा है, नोटिस भेजा, नहीं तो सेकेंड कॉल के, सॉरी, फर्स्ट कॉल के बाद ही फोरफिट कर दिया. तो कब फोरफिट करें ये तो कंपनी का चॉइस है. वापस, शेयर कैपिटल में क्रेडिट ग्रेजुअली होता है. पहले 3 रुपए क्रेडिट होगा, फिर 3 रुपए क्रेडिट होगा, फिर 2 रुपए क्रेडिट होगा. तो ये स्टेज पे अगर मैं फोरफिट कर रहा हूं तो शेयर कैपिटल में कितना पैसा क्रेडिट हुआ है पर शेयर? कितना रुपया क्रेडिट हुआ है पर शेयर? 8 रुपया. एक और बार, हर एक स्टेज पे शेयर कैपिटल क्रेडिट होते जाता है. अलॉटमेंट में शेयर कैपिटल में 3 रुपया डाला, एप्लीकेशन में 3 रुपया डाला, फिर अलॉटमेंट में 3 रुपया डाला, फिर फर्स्ट कॉल में 2 रुपया. तो अभी कैपिटल में 8 रुपया क्रेडिट हो चुका है. अभी सेकेंड कॉल मंगाना बाकी है, उसके पहले ही हम कैंसिल कर रहे हैं. तो अभी कॉल्ड अप वैल्यू है 8 पर शेयर. तो इन दैट केस इधर एंट्री होगा 100 × 8. कैपिटल कितना कैंसिल करने का? जितना क्रेडिट किया है, हाँ या ना? अभी कैपिटल में 10 रुपये क्रेडिट नहीं हुआ है तो 10 रुपये डेबिट कैसे करें? कैपिटल में, अगेन मेरा ये एग्जांपल क्या है, अगर हम फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिट कर रहे हैं तो की बात कर रहे हैं, समझा? कमिंग बैक टू ओरिजिनल एग्जांपल, तो हम लोग अगर फोरफिट कर रहे हैं सेकेंड कॉल के बाद, तो हमारा कॉल्ड अप वैल्यू कितना है? कॉल्ड अप वैल्यू कितना है? 10 रुपया. सेकेंड कॉल के बाद, वो एग्जाम्पल था ऐसे ही बताने के लिए कि इधर हमने कॉल्ड अप अमाउंट क्यों लिखा है. इधर बाय डिफॉल्ट 10 नहीं आएगा, इधर कितना आएगा? जितना अभी तक मांगा है. आई विल रिपीट, यहां पे बाय डिफॉल्ट 10 रुपया नहीं आएगा. कैंसल करने के वक्त हमने उससे कितना पैसा मांगा है उतना ही कैंसल होगा. तो अभी वाले नए एग्जाम्पल में सेकेंड कॉल के बाद हम अगर फोरफिट कर रहे हैं तो कितना पैसा मांगा है? 10 रुपये. तो 10 रुपये से डेबिट करेंगे, तो इधर 100 × 10 ये होगा 1000 रुपये. सॉरी. तो शेयर कैपिटल डेबिट होगा. क्या आज के बाद हम उसको लेटर लिखेंगे, पैसा दे दो, पैसा दे दो? तो जो कॉल सिनेरियर्स था वो अभी कॉल सिनेरियर्स नहीं रहेगा. तो अब जब जब उसने पैसे नहीं दिए थे, हमने कॉल सिनेरियर्स में डेबिट किया था उसको, तो अभी कॉल सिनेरियर्स को क्रेडिट करके जीरो कर दें उसको. तो ये हो गया कॉल्स इन एरियर्स क्रेडिट. कितना? जितना नहीं दिया है. कितना नहीं दिया है? 400 नहीं दिया है, 400 नहीं दिया है. और 2 शेयर्स फोरफीटेड अकाउंट 600 रुपया. ये 600 रुपया हम उसको वापस नहीं करने वाले हैं. क्या ये हमारा प्रॉफिट है? हाँ, ये हमारा प्रॉफिट है. पर मैं इसको एक वर्ड यूज करूंगा, ये हमारा टेम्पररी प्रॉफिट है. फाइनल प्रॉफिट है या नहीं पता नहीं. ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं अभी बताऊंगा. तो ये एंट्री में कोई डाउट? तो शेयर कैपिटल डेबिट करेंगे कितने अमाउंट से? कॉल्ड अप अमाउंट से इनटू नंबर ऑफ शेयर्स. क्रेडिट करेंगे कॉल सिनेरियर्स को, क्योंकि अभी पैसे मांगने वाले भी नहीं है उससे. और जितना पैसा हमें ऑलरेडी मिल चुका है वो क्रेडिट करें शेयर फोरफिटेड में. ठीक है, तो ये एंट्री लिखो. नेक्स्ट हेडिंग लिखो फोरफीचर ऑफ शेयर्स.
forfeiture of shares. ये हेडिंग है, उसके नीचे लिखो शेयर्स फोरफिटेड, शेयर्स फोरफिटेड जर्नल एंट्री में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके सामने लिखिए नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड इनटू कॉल्ड अप अमाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स क्रेडिट होगा, और टू शेयर्स फोरफिटेड क्रेडिट होगा. वर्किंग में कॉल्स इन एरियर्स के सामने लिखो अमाउंट नॉट रिसीव्ड, और शेयर्स फोरफिटेड में लिखो अमाउंट रिसीव्ड. क्या ये 600 रुपीज हमारा प्रॉफिट है? टेम्पररी प्रॉफिट. अभी अज्यूम करते हैं कि ये 100 शेयर्स हमने किसी और को री इश्यू किए, किसी और को. तो 10 रुपए के शेयर्स हैं, ये वाले शेयर्स हमने डिस्काउंट पे उसको इश्यू किए. डिस्काउंट पे क्यों? तो डायरेक्टर्स का मर्जी, ये भी डिस्काउंट पे या प्रीमियम पे कुछ भी हो सकता है. अभी समझने के लिए सिर्फ अज्यूम करते हैं कि इसको हमने री इश्यू किया, सारे के सारे 100 शेयर्स री इश्यू कर दिया, और हमने एक शेयर री इश्यू किया 8 रुपए पे. एक्चुअली हम जब शेयर इश्यू करते हैं तो 10 रुपया मिलता है, बट ये जो री इश्यू किया है उस पर 8 ही रुपया मिलने वाला है. क्या 2 रुपया हमारा लॉस है? हाँ हाँ, वेरी गुड. हाँ भी और ना भी. आई विल रिपीट, क्या 2 रुपया हमारा लॉस है? ऑफ कोर्स लॉस है. 10 रुपए की जगह 8 रुपया ही मिल रहा है, तो 2 रुपया लॉस है. बट 2 रुपया उस शेयर पे लॉस है जो शेयर पे हम ऑलरेडी 6 रुपया कमा चुके हैं, हमारे पास पड़े 6 रुपया एक्स्ट्रा. मतलब उल्टा एंगल से देखा जाए रुचिका, तो ये शेयर्स पे हमें टोटल कितना पैसा मिला? पहले उसने दिया कितना पैसा? पहले 6 रुपया दिया पर शेयर, और अभी 8 रुपया मिल रहा है, तो मतलब ये शेयर पे एक्चुअली 14 रुपीज मिला 10 के जगह. समझा कि नहीं? तो 10 के जगह 14 मिला, मतलब नेट देखा जाए तो 4 रुपए का फायदा हुआ. तो ये 6 रुपए का टेम्पररी फायदा था, 600 रुपया. अब उसमें से रीइश्यू करते वक्त 2 रुपए का नुकसान हुआ, तो हम इसको लॉस नहीं बोलेंगे, इसको लॉस इन प्रॉफिट बोलेंगे. ऑलरेडी टेम्पररी प्रॉफिट था, उसमें से 200 का नुकसान हुआ, तो ज्यादा नहीं रोएंगे, थोड़ा ही रोएंगे. तो अभी रीइश्यू का क्या एंट्री होगा? तो हमें वापस पैसे मिलेंगे ना? कितने पैसे मिलेंगे? 100 शेयर्स पे 8 रुपया मिलेगा, 800 रुपया मिलेगा. क्या हम शेयर इश्यू कर रहे हैं अभी? हाँ. तो जब जब शेयर इश्यू करते हैं तो शेयर कैपिटल क्रेडिट करने का. अच्छा, अभी ध्यान से सुनो, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हम जब जब शेयर कैपिटल क्रेडिट करते हैं तो कॉल्ड अप वैल्यू से क्रेडिट करने का. किससे? कॉल्ड अप वैल्यू से. तो अभी इसको जो शेयर हम दे रहे हैं वो कितने वाला शेयर है? 10 रुपए का शेयर है. अभी इधर कोई स्टेजेस नहीं है ना, पहले एप्लीकेशन दे फिर अलॉटमेंट दे, अभी ऐसा कुछ नहीं. अभी पूरा ये 8 रुपया जो दो है वो किसके सामने है? 10 रुपए के सामने है. 2 रुपया डिस्काउंट दिया हमने उसको,
सो ये शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपीज से ही क्रेडिट होगा. यस नो? तो एक रो छोड़ के मैं क्रेडिट लिखता हूं, इक्विटी शेयर कैपिटल. इसमें वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट के स्टेजेस है ही नहीं, ये तो सेकेंड हैंड माल है, ऑलरेडी बिके हुए शेयर हम री इश्यू कर रहे हैं. तो सीधा शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा कितने रुपीज से? 1000 × 10 10,000 रुपए से. आई एम सॉरी 100 × 10 1000 रुपए से क्रेडिट होगा. डेबिट किया है 800, क्रेडिट हुआ है 1000. इसका मतलब 200 रुपए का नुकसान है ना, नुकसान हुआ है 200 का. तो ये डिस्काउंट है, बट इसको डिस्काउंट में डेबिट नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रॉफिट में लॉस है. तो जब प्रॉफिट हुआ था टेम्पररी, तो एक अकाउंट में उसको पार्क करके रखा था, शेयर फोरफिटेड अकाउंट में टेम्पररी पार्क करके रखा था. तो अभी शेयर फोरफिटेड अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया 200 रुपए से. सविता को डाउट है क्या? हमने 1000 रुपए के शेयर्स 800 रुपए में बेचे, तो 200 का नुकसान हुआ ना, तो इसको कौन से अकाउंट में लिखें वो सवाल है. तो ये 200 का नुकसान हम ये बोल रहे हैं कि ये 600 के प्रॉफिट के सामने है. ये 600 वाले जो शेयर है वही शेयर हम बेच रहे हैं ना इसको, तो हम बोल रहे हैं अच्छा ठीक है, ये 600 के प्रॉफिट के सामने 200 का नुकसान हुआ, तो इसीलिए वो नुकसान को हम ऐसे लॉस अकाउंट डेबिट ऐसे नहीं लिखने वाले हैं, या डिस्काउंट अकाउंट डेबिट ऐसे नहीं लिख रहे हैं. हमने जो पहले अकाउंट टेम्पररी क्रेडिट किया था उसी को डेबिट कर दिया. ठीक है, तो शेयर फोरफिटेड को हमने डेबिट किया 200 रुपए से. हाँ जी, तो अब ये पूरे ट्रांजैक्शन के बाद सुनो, शेयर फोरफिटेड अकाउंट में अभी 400 रुपये बचा हुआ है. हमने शेयर फोरफिटेड को पहले क्रेडिट किया था 600 से और अभी डेबिट किया 200 से, तो शेयर फोरफिटेड में अभी 400 रुपया क्रेडिट बैलेंस बचा है. और वो क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रॉफिट है, और ये फाइनल प्रॉफिट है ना. 100 शेयर कैंसिल किया और रीइश्यू किया, उसमें फाइनली हमें अभी पता चल गया कि 400 का प्रॉफिट है. तो अभी वो टेम्पररी अकाउंट को क्लोज कर देते हैं और एक परमानेंट प्रॉफिट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, जिसको हम बोल देते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट. तो एक फाइनल एंट्री होगा शेयर्स फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, शेयर्स फोरफिटेड अकाउंट डेबिट 400 रुपया, ये 600 माइनस ये 200 और 2 कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट. सबको समझा या बाउंसर गया? और एक बार रिवाइज करते हैं. पहला एंट्री तो हम लिख चुके हैं, सेकेंड एंट्री लिखो, मैं लिखते लिखते समझाता हूं आपको. सेकेंड एंट्री, उसका हेडिंग लिखो री इश्यू ऑफ शेयर्स. जर्नल एंट्री लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, वर्किंग में लिखो नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड, नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड इनटू इश्यू प्राइस, नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड इनटू इश्यू प्राइस. शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, वर्किंग में लिखो बैलेंसिंग फिगर, और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट
और उसमें वर्किंग में लिखो नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड इनटू इनटू क्या होना चाहिए, वेरी गुड, इनटू कॉल्ड अप फेस वैल्यू, इनटू कॉल्ड अप फेस वैल्यू. आपने नोट किया शेयर फॉरफिटेड बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है. नेक्स्ट एंट्री लिखो ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर रीइश्यू, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर रीइश्यू. द एंट्री विल बी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व. वर्किंग में लिखो इसका, है ना, हमेशा एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, ऐसे सीधा सीधा नहीं होगा. नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं पार्ट रीइश्यू. ये तो बहुत सिंपल था कि 100 के 100 रीइश्यू कर दिए. अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे 100 फॉरफिट तो कर दिए थे पर अभी से 80 रीइश्यू किए. तो अगेन अभी भी कुछ अमाउंट तो टेम्पररी प्रॉफिट में रहेगा. अगर ऐसा है तो ये सब में सिंपल है कि 100 फॉरफिट किए थे, 100 रीइश्यू कर दिए तो उसके बाद पता चल जाएगा फाइनली क्या प्रॉफिट है लॉस है. बट अगर सारे के सारे रीइश्यू नहीं हुए तो कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा जो नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे. तो उधर वर्किंग में आप लिखो बेस्ड ऑन वर्किंग नोट, बेस्ड ऑन वर्किंग नोट. अच्छा, ये जो भी सारी एंट्रीज की आज लेक्चर में वो सारे इश्यू एट पार था, पार. हमने इश्यू एट प्रीमियम का एंट्री ही नहीं किया है. तो कल वाले लेक्चर में प्रीमियम की एंट्री सीखेंगे और ये पार्ट रीइश्यू की एंट्री सीखेंगे और फिर सम स्टार्ट करेंगे. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.